स्टार्ट करने से मिलते हैं। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम भी चैप्टर नंबर 9 ही कर रहे हैं, तस्वीर भी चैप्टर 9 ही कर। टॉपिक चैप्टर नंबर 9 दैट इज इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स सब टॉपिक। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड के गिवन पॉइंट, गिवन दैट द पॉइंट 2K इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है कि उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, बराबर है, इक्वल है फ्रॉम P7 एंड 916। मींस वो यूं कह रहे हैं कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं इसको P कह देते हैं, दैट इज उस पॉइंट को उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं दैट इज 2 एंड K। वो कह रहे हैं वो एक पॉइंट है इस साइड पे भी और एक पॉइंट इस साइड पे भी है, बट दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट P से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को ए कह देती हूँ, इस पॉइंट को बी कह देती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट द डिस्टेंस ऑफ ए पी यानी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और पी इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी। यही वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यही हमने कंक्लूजन लिया कि ए का जो पी का जो डिस्टेंस है वो ए से और पी का जो डिस्टेंस है बी से वो क्या है, सेम है। बिकॉज वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट को आप एक दफा फिर रीड आउट करें कि गिवन दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, ए को क्योंकि वो ए नेम नहीं रखा हुआ उन्होंने रखा हुआ 3 and 7 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। लेट्स सपोज हम उसका नेम जो है ए रखते थे, तो सो पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड सेकंड जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स उन्होंने गिवन दिए हुए हैं दैट इज 9 and 1। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स ये इनका जो डिस्टेंस है वो आपस में सेम है। ये आपने स्टेटमेंट को रीड आउट किया और उसके बाद ये आपने ये वाली फॉर्म कंक्लूड की। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरह इसकी फिगर बना देंगे और इसको इस तरह ड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। ऑब्वियसली वर्ड आया है डिस्टेंस, तो आपका माइंड फौरन रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो चुका होगा कि डिस्टेंस मीन्स वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। तो इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए पी का जो डिस्टेंस आएगा और पी बी का जो डिस्टेंस आएगा फिर एंड पे उनको इक्वल या स्टार्ट से ही इक्वालिटी इक्वेशन में उनको राइट डाउन करते जाएंगे एंड देन जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है दैट इज द वैल्यू ऑफ के, तो आपने वो फाइंड आउट करनी है के की क्या वैल्यू है। तो आप स्टार्ट ही ऐसे लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। आप ये रफ स्केच जरूर बनाएंगे लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर ही बनाएंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसे आइडेंटिफाई हो सके कि आप पहले आपने अंडरस्टैंड किया स्टेटमेंट को उसके बाद ये राइट डाउन किया। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या बता रही है, ए पी द डिस्टेंस बिटवीन ए पी इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पी बी। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है इसे रिकॉल करें, दैट इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए पी पे पहले अप्लाई करेंगे तो पहले लिख लें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर पी एंड 7 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 एंड k, और बी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 and 1। अब आपने अप्लाई किस पे डिस्टेंस फार्मूला करना है, आपने किस रिलेशन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी यानी ए पी पे भी और पी बी पे भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। तो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला ए आपके पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है x1 और पी की फर्स्ट टर्म x2 इसी तरह सिमिलरली y1 एंड y2 इस पर अप्लाई करें डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 3 होल
holds here, plus y2 minus y1 means k minus 7 holds here. Similarly, pb आपने find out करना है, तो इसका जो p का x1, जब pb की बात होगी तो ये आप इसके जो symbols हैं x1 x2 वो change हो जाएंगे, ये बन जाएगा x1 and this one is x2 and y1 and y2. x2 minus x1 means 9 minus 2 का whole square plus y2 minus y1 means 1 minus k का whole square. Now, अब हम इनके जो square root के अंदर values हैं उनको solve करेंगे. टू माइनस थ्री माइनस वन, और आपको यहाँ नजर आ रहा है k माइनस सेवन है, तो k माइनस सेवन का जो होल स्क्वायर होता है तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर, आपने ये जो फॉर्मूला लर्न किया होगा फॉर्मूला की यहाँ प्लेस नहीं, आप तो बिल्कुल सिंस करके साइड पे लिखिएगा, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ. a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने रीड आउट किया हुआ, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. तो ये फॉर्मूला जो है आप इसमें ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स सेवन स्क्वायर, माइनस टू ए बी मतलब टू इंटू के इंटू सेवन. ठीक है, ये आपकी सब वैल्यूज जो हैं अंडर द रूट हैं. सही, अब राइट हैंड साइड पे इसे सिमिलरली इसी तरह अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. 9 माइनस सेवन आपके पास, सॉरी 9 माइनस टू आपके पास आ जाता है 7, और इस पे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 ए एंड बी इज 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं और अब सॉल्व करेंगे. यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसे, इस करके यहाँ राइट हैंड कर दी. ओके, सॉल्व करते हैं. 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाता है, k स्क्वायर इज k स्क्वायर इज सॉरी k स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 7 टूज आर 14k. राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं. 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस k स्क्वायर इज k स्क्वायर इनटू 1 दैट 2k. अब आप ऐड हो सकते हैं दो नंबर्स, क्योंकि बाकी तो खैर आपके पास उनके साथ अननोन कोफिशिएंट्स हैं k स्क्वायर और k, वो तो एडेबल नहीं है, बट 49 और 1 ऐड होगा तो आपके पास आ जाएगा 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k. अब आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी दोनों पे क्या है, स्क्वायर रूट है. सो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर लिया हमने तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k इज इक्वल्स टू 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k. ओके स्टूडेंट्स, अब लाइक टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एक यहाँ पे शॉर्ट स्टेप भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली जब आप 50 को यहाँ लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और 50 माइनस 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं कि 50 माइनस 50 कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ प्लस के स्क्वायर है और इस साइड पे भी प्लस के स्क्वायर है, जब इसको मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो ये प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. तो आपके पास रह जाएगा माइनस 14k और ये इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस 2k था राइट से जब लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो प्लस 2k में चेंज हो गया और राइट हैंड साइड पे सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो जस्ट जीरो रह गया.
अब प्लस माइनस माइनस करें तो माइनस 12 के इज इक्वल टू जीरो. अब माइनस 12 के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड पे आके जीरो के साथ माइनस 12 डिवाइड हो जाएगा. और जीरो के साथ आप कोई भी टर्म डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास क्या आ जाता है, जीरो. तो आपने फाइंड आउट कर दी वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू जीरो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और रिपीट करूं? यस मैम. ठीक है. जो स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, लाइक हसीब ने आप लेट ज्वाइन किया, उसके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ. हसीब, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 मैम मुझे आता है. ये आता है बेटा? गुड. ठीक है जी मैम. सही है. जो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हैं. सेम चीज आपने उसमें प्रूव करनी है. एक में बस वर्ड चेंज किया हुआ है और मैंने प्री रीडिंग में बताया था कि स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर का मतलब एक ही है. तो इन दोनों में से मैंने एक क्वेश्चन करवाना है और एक आपका टारगेट है. मैं 6 करवा रही हूँ, 4 आप लोगों ने करना है. ठीक है? ओके मैम. और 7 आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, वो आपका टारगेट है. मुझे उसको यस्टरडे लेक्चर जो हुआ था उसी में होम असाइनमेंट पे दे देना चाहिए था, लेकिन चले कोई बात नहीं, आज आप उसको कर लीजिएगा. अभी आपका जस्ट क्वेश्चन 6, 8 एंड 10 में करवा. नो डाउन हो जाए तो देन से यस, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. नो डाउन हो गया स्टूडेंट्स? यस. सबका हो गया? कैन आई रेस? अब्दुल्ला में रेस? यस. ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. Okay, question number 6 is use distance formula to verify these point that to verify that the points A, B and C are collinear. हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है A, B, C ये कोलिनियर हैं. और कोलिनियर के लिए आपको मैं फिर एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि आपने क्या करना था. जो आपके पास लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आता है, ग्रेटर डिस्टेंस आता है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? ग्रेटर डिस्टेंस फॉर कोलिनियर is equals to sum of smaller distance. हम इससे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि आपके पास जो ग्रेटर डिस्टेंस आएगा आपने प्रूव करना है कि वो इक्वल होगा बाकी जो रिमेनिंग टू डिस्टेंस होंगे उन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आता है उसके इक्वल होता है. तो लेट्स प्रूव दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं A 07, B C minus 5, C minus 2 and 15. Okay. अब आपके पास जो है इसे रफ स्केच बना लेते हैं ताकि आप साइड्स आइडेंटिफाई कर लें कोलिनियर के लिए. लाइक हमें पता नहीं है कि कौन सा इसमें लॉन्गेस्ट आएगा लेकिन जस्ट ऐसे रफली ए बी एंड सी. तो आपने टू फाइंड क्या क्या करना है? टू फाइंड आपने ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना है. ए बी बी सी एंड ए सी. ओके, सॉल्यूशन कहते हैं ऑफ कोर्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है डी इज इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर ए बी के लिए स्टार्ट करते हैं। ए इज 07 एंड बी इज 3 एंड माइनस। ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस जीरो, वाई टू माइनस वाई वन, माइनस फाइव माइनस सेवन, थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन। अब थ्री माइनस जीरो ओबियसली थ्री हो जाएगा, थ्री का स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट नाइन, माइनस माइनस प्लस एंड फाइव प्लस सेवन आपके पास क्या आ जाता है, ट्वेल्व। और ट्वेल्व का स्क्वेयर लें तो 144 यही आता है ना आपके पास, 144 ट्वेल्व का स्क्वेयर लिया तो कैलकुलेटर से कर लें, माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस सेवन इज ट्वेल्व एंड ट्वेल्व का स्क्वेयर 24, सॉरी 144, और 144 में ऐड करें नाइन तो आपके पास क्या आ जाता है, 153। क्या करना है? यस मैम। ओके, आपके पास आ गया 153। अब ओबियसली इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज में यहाँ पे करके फिर इरेज कर दूंगी, फैक्टराइज करना आप सबको आता है। 153 को स्टार्ट करते हैं, आपके पास थ्री टू के टेबल पे तो ओबियसली ये नहीं हो सकता, लास्ट टर्म आपके पास जो है वो जो आ रही है वो टू के टेबल पे नहीं आ रही, थ्री से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, फाइव सर फिफ्टीन, थ्री वन सर थ्री, अगेन थ्री से हो सकता है, थ्री वन सर थ्री और टू कैरी, सेवनटीन एंड सेवनटीन वन सर सेवनटीन। तो फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास जो आ रहा है ए बी, दैट इज इक्वल्स टू थ्री स्क्वायर इंटू सेवनटीन, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आपके पास ए बी की फाइनल आंसर, ए बी का फाइनल आंसर आ गया थ्री इंटू स्क्वायर रूट सेवनटीन। अब नेक्स्ट के लिए करते हैं, ए बी हो गया सॉल्व। फॉर बी सी बी के जो आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं, दैट इज थ्री एंड माइनस फाइव, और सी आपके पास गिवन है माइनस टू एंड फिफ्टीन। अगेन इस पे यही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, बी सी विजिबल है, एक्स टू माइनस एक्स वन मीन्स माइनस टू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, फिफ्टीन माइनस ब्रैकेट माइनस फाइव होल स्क्वायर। ओके, अब इस पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, स्पेस कम होना तो हम हर जगह उसे एडजस्ट करते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव का स्क्वायर आपके पास प्लस 25 हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप 15 माइनस फाइव था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस फाइव 20 आ जाता है, और 20 का स्क्वायर लें तो 400, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ आंसर बी सी का स्क्वायर रूट 425। कुछ बच्चों के पास वैसे कैलकुलेटर्स होते हैं कि वो स्क्वायर रूट 425 लिखेंगे, वो डायरेक्ट उन्हें फैक्टराइज करके सॉल्व करके इस फॉर्म में दे देते हैं, लेकिन जब नहीं होते तो ऑब्वियसली आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। तो अगेन मैं यहाँ फैक्टराइजेशन करती हूँ, फाइव के टेबल से स्टार्ट करते हैं इसे। फाइव फाइव से 25, अगेन फाइव के टेबल पे हो रहा है 17,
ओके हमें समझ आ गई कि ये आ गया आपके पास 5 स्क्वायर इंटू 17। तो बी सी आपके पास आया है 5 इंटू स्क्वायर रूट 17। अब बी सी हो चुका है, लास्ट ए सी, ए के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 7 एंड सी इज -2 एंड 15। अगेन इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट x2 - x1 -2 - 0 होल स्क्वायर, y2 - y1 15 - 7 होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाता है माइनस, ऑब्वियसली उस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 15 में से आप 7 माइनस करें 15 - 7 तो क्या आ जाता है आपके पास 8 आ जाता है और 8 का स्क्वायर 64 और आपके पास आ जाएगा 68। अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 68 की तो ये तो खैर आपके पास 2 से हो जाता है 68। और सबसे पहले 2 से करें 34, अगेन 2 से करें तो 17 आई थिंक सो, हाँ 17। ओके तो आपके पास फैक्टराइजेशन इसकी आ रही है 2 स्क्वायर इंटू 17। तो मीन्स ए सी का आंसर आ गया आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 17। अब आपने फॉर कोलिनियर के लिए काम करना था, पहले इसको राइट डाउन कर देते हैं जो सब आंसर्स आए। सबसे पहले ए बी फाइंड किया था, ए बी का आंसर आया है दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 17। देन बी सी फाइंड आउट किया था, बी सी का आंसर आया था आपके पास 5 इंटू स्क्वायर रूट 17। देन ए सी, और ए सी की वैल्यू आपके पास आई थी 2 इंटू स्क्वायर रूट 17। ओके फॉर कोलिनियर, अब कोलिनियर की जो प्रॉपर्टी है वो अपने माइंड में रिकॉल करें। कोलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, उसके लिए आपने क्या पढ़ा था कि आपने जो ग्रेटर वन होता है उसे एक साइड पे रखना है और जो स्मॉलर वन होंगे उन दोनों को प्लस करना है तो वो ग्रेटर के इक्वल है। पहले तो इन तीनों लेंथ्स में से आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ग्रेटर है। तो हम अब्दुल्ला आप हमें बताएंगे कि ए बी बी सी एंड सी ए सी में विच साइड इज ग्रेटर वन। मोहम्मद अब्दुल्ला आर यू विद अस ना? ओके इमाद आप बता दो, ए बी बी सी एंड ए सी में कौन सी लेंथ ग्रेटर है? तलहा आप ही बता दें, ये दोनों खामोश हो गए हैं, पता नहीं समझ रहे हैं या नहीं कर रहे। तलहा बी सी, यस बी सी, बिकॉज उसका जो आपके पास फैक्टर आ रहा है सब स्क्वायर रूट 17 के फैक्टर्स हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट 17, 5 इंटू 2 इंटू, बट विच वन इज ग्रेटर वन? ऑब्वियसली 5 सबसे बड़ा है 3 से 2 से भी, तो 5 सॉरी बी सी इज ग्रेटर। तो आप यहाँ पे प्रूव करेंगे कि बी सी जो है वो इक्वल आना चाहिए बाकी रिमेनिंग दो साइड कौन सी है, ए बी प्लस ए सी के। तो सब्स्टिट्यूट करें इनकी वैल्यू, तो बी सी इज स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 17 एंड ए बी इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 17 एंड ए सी इज 2 इंटू स्क्वायर रूट 17। ऑब्वियसली इनके रूट सेम है, स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर रूट 17, तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब आप जरा ऑब्जर्व करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपके पास दोनों के आंसर क्या आगे सेम आगे। तो हिंस आप एंटर स्टेटमेंट अच्छे से लिखना, मेरे पास यहाँ प्लेस नहीं है, मैं सिर्फ इतना लिख लूंगी कि हिंस प्रूव द गिवन पॉइंट्स, मैं जो बोल रही हूँ आपने पूरा लिखना है, प्रूव द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, या जो उसकी कोलिनियर गिवन था, देखते हैं इसका नाम क्या गिवन था, कोलिनियर। आप कह देंगे हिंस प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं एंड नहीं कर रही, बस यहाँ आप लोगों ने खुद इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट लिखना। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स आपको? आ रही है हमें, बहुत हल्की आ रही है वैसे, बहुत हल्की आ रही है। अच्छा ठीक है मैं इसको थोड़ा माइक ऊपर कर देती हूँ। इमाद आप ट्राई टू लिसन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, ऐसे रिपीट करूँ? यस मैम आ गया।
आगे इमाद आपको भी क्लियर हुआ है? बिकॉज आपकी आप कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही थी. इज इट क्लियर टू यू और नीड टू रिपीट? क्लियर है. ओके ठीक है. ओके स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. बट वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, तो एक क्वेश्चन तो हो जाएगा. लॉन्ग वाला नहीं चूज कर रही मैं, क्वेश्चन नंबर 10 चूज करूंगी. दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट शॉर्ट वन, छोटा सा क्वेश्चन है ये. आपके पास रह जाएगा जस्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगी. बाकी आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 रह जाएगा, 10 मैं अभी करवाती हूँ. नोट डाउन करिए. क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है. 7 आप लोगों का होमवर्क है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है. लेकिन मैं आपको कल होमवर्क में नहीं दे पाई, आज मैंने इसको ज्यादा ऑब्जर्व किया, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है. जैसे उसमें आपने वेरीफाई करना था कि आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें आपने वेरीफाई करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. उस हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल आएंगी इसकी, ये प्रूफ हो जाता है इसका. मैं पहले ही बता दी, नोट डाउन कर लिया. यस ओके. बाकी स्टूडेंट्स ने भी कर लिया? रेस कर दो बिकॉज टाइम कम रह गया ना 10 मिनट. गर्ल्स कैन आई रेस? ओके यस ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, 8 में अभी टाइम कम है तो इसलिए उसको नहीं करवा रही. क्वेश्चन नंबर 10 को प्रेफर कर रही हूँ, वो शॉर्ट सा क्वेश्चन है. बोर्ड में 2 दफा आ चुका है, 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के में आया हुआ है. 4 मार्क्स से आया, 3 मार्क्स में जब होता था तब आया था. अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो चुके हैं. आपने फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेंटर एंड पॉइंट, और जो सर्कल है वो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट पी. मतलब आपके पास गिवन सिचुएशन से ये पता चला कि यहाँ एक शेप जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी डिस्कस हो रही है? सर्कुलर शेप डिस्कस हो रही है. और सर्कुलर शेप में क्या चीज़ गिवन है? एक तो ये चीज़ गिवन है कि उसका सेंटर क्या है, एंड सेकेंड वन ये गिवन है कि वो एक पॉइंट पी से पास कर रहा है. तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? डायामीटर फाइंड आउट करना है. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम डायामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायामीटर तो डबल ऑफ रेडियस होता है. बट दैट्स वेरी इजी, मैं अभी इसकी शेप बनाऊंगी तो आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे. क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ सर्कल विद द सेंटर सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स भी साथ साथ लिख देती हूँ. दैट इज -3 एंड. मैम आपकी आवाज बिल्कुल हल्की आ रही है. फिर हल्की आ रही है, एक मिनट मैं इसका माइक को थोड़ा रीचेक कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ. बाकी मैं इसकी बहुत ही हल्की अभी शो कर रहा है. जस्ट 1 मिनट वेट करें, 5 मिनट्स रह गए, जल्दी से. अब चेक करें, अब आ रही है मेरी वॉइस? यस ठीक है. अब मेरे ख्याल से अब ये वाला सही रहेगा, तो इसमें आप लोगों को समझाती हूँ ठीक है. ओके क्या आपके पास गिवन है? आपके पास गिवन है कि देयर इज अ सर्कल विद द सेंटर सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 एंड 6 ठीक है. ये -3 एंड 6, और साथ ये गिवन है कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी. लाइक दिस इज द पॉइंट पी एंड सर्कल आपका यहाँ से पास कर रहा है ठीक है. एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3 ओके. अब आप ऑब्जर्व करें कि जब सेंटर से जो भी पॉइंट होगा वो आपके अगर सर्कल की बाउंड्री पे होगा तो ऑब्वियसली वो क्या चीज बनेगी? दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सर्कल की बाउंड्री तक, सर्कमफेरेंस तक, तो वो उसका रेडियस होता है. तो आपको ये पता चल गया कि सी पी जो होगा बेसिकली जिसे आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू रेडियस. और रेडियस जब फाइंड आउट हो जाए तो आप सबको पता है कि जो डायामीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस का जो आंसर आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डायामीटर आएगा. ओके लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर.
ओके अब आप इसमें अप्लाई करते हैं हम फॉर सीपी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीआर -3 and 6 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 3 इस पे आपने अप्लाई किया डिस्टेंस फॉर्मूला तो x2 - x1 1 - -3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर y2 - y1 3 - 6 होल स्क्वायर तो आप इसका स्क्वायर और ऐड करके ओपन करें तो -(-+)3 + 1 = 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड 3 - 6 आपके पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और 16 + 9 = 25 और 25 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है दैट इज इक्वल्स टू 5 तो सी पी आपके पास क्या आ गया 5 आ गया ऑब्वियसली आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे कि सी पी रेडियस है तो सी पी इज इक्वल्स टू रेडियस एंड रेडियस आपके पास क्या आ गया 5 तो नाउ जो आपने डायमीटर फाइंड आउट करना था तो डायमीटर आपके पास आ जाएगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 into radius तो 2 into r आपके पास है 5 तो 5 2s are 10 तो डायमीटर आपके पास आ जाता है 10 इज इट क्लियर टू एवरीवन यस ठीक है अब मैं आपका लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ओके ओके अल्लाह हाफिज हसनात आप मीटिंग को रीज्वाइन करिएगा ग्रेड 8 आप ग्रेड 9 का लेक्चर था ना वो एंड हुआ था